आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 437 सीआरपीसी के बारे में कि कैसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी एक अक्यूज्ड को बेल मिल सकती है। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था 436 और 436A के बारे में। इससे पहले मैं अपनी डिस्कशन स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट बटन दबा करके आप सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के एंड में अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 437 हम आज पढ़ेंगे। 437 डील करता है कि कब नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक अक्यूज्ड को बेल मिल सकती है। व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट। अदर देन दी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ही मे बी रिलीज ऑन बेल, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो इन्वॉल्व है उसको, या उसके ऊपर शक है कि वो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है, या फिर वो अपीयर्स यानी कि खुद वो कोर्ट में सरेंडर करता है या उसको कोर्ट में लाया जाता है। कोर्ट का मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को छोड़ करके है, उसे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में भी उस व्यक्ति को जो है बेल हो सकती है। यहाँ पर मैं आप देखें तो यहाँ पर डिस्क्रिशनल जो है रहेगी, इम्पेरेटिव नहीं है उसको रिलीज करना, लेकिन डिस्क्रिशन रहती है। लेकिन साथ में ये भी दिया है कि उस व्यक्ति को कहाँ बेल पर रिहा नहीं किया जाएगा, कहाँ पर बेल उसको नहीं मिलेगी। सो क्लॉज वन हम पढ़ेंगे पहले। सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज इफ देयर अपीयर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही हैज़ बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पुनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जहाँ पर डेथ पेनल्टी या उम्र कैद की सजा उसको हो सकती है, ऐसे ऑफेंस में वो इन्वॉल्व है और कोर्ट को लगता है, कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड है इस बात को मानने का कि हाँ वो दोषी हो सकता है ऐसे केस में, हालांकि अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है उसका, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है, लेकिन कोर्ट को अगर लगता है कि ये कि दोषी हो सकता है डेथ पेनल्टी के ऑफेंस में या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऑफेंस में, तो कोर्ट वहाँ पर उसकी बेल को रिजेक्ट कर सकती है। रीजनेबल ग्राउंड, अगर आप पढ़ें कि रीजनेबल ग्राउंड का मतलब क्या है, तो यहाँ पर अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो कोर्ट में कहीं नहीं दी गई है, लेकिन अगर आप जजमेंट्स पढ़ेंगे इस पर तो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर कोई रीज़न हो, कोई लॉजिक हो कोर्ट के सामने ये बिलीव करने का कि ये व्यक्ति डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के ऑफेंस में दोषी हो सकता है, तो आर्बिट्रेरली नहीं होगा यहाँ पर कि ऐसे कह देना कि यहाँ हो सकता है, तो रीज़न होने चाहिए, उसके लिए लॉजिक होना चाहिए। क्लॉज टू आगे ये भी कहते हैं कि कहाँ उसको बेल नहीं दी जाएगी। सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज इफ सच ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पुनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर, और ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑन टू और मोर ओकेजन्स ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर बट नॉट लेस देन 7 years। क्लॉज टू हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बारे में बात करता है कि जहाँ पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी को पहले, किसी व्यक्ति को सजा हो रखी है, पहले उसको डेथ पेनल्टी की सजा उसको हो रखी है या फिर उसको उम्र कैद की सजा हो रखी है या फिर उसको 7 या 7 साल से ज़्यादा की सजा उसको पहले पास्ट में कभी हुई है, या फिर उसको 2 या 2 से अधिक बार उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस में 3 साल या उससे अधिक सजा हुई है, लेकिन वो सजा जो है कुल मिलाकर के 7 साल से ऊपर की उसको हो रखी है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है कोर्ट उसको बेल देने से मना कर सकती है, अपनी डिस्कशन को जो है उसके अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकती है। लेकिन कुछ प्रोवाइजो हैं कुछ कि कहाँ कहाँ पर क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में अगर बेल नहीं भी बनती तब भी कोर्ट बेल दे सकती है, यानी कि जहाँ पर डेथ पेनल्टी का पनिशमेंट है, जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, 7 ईयर्स से अधिक की सज़ा भी है किसी केस में, कोर्ट को लगता भी है कि हाँ ये व्यक्ति दोषी है, तब भी कोर्ट को पावर है उसको बेल पर रिहा करने की। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे पावर है, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बेल मिल सकती है, इसके लिए आप प्रोविज़ो पढ़ेंगे।
provided that the court may direct that a person referred to in clause 1 or clause 2 be released on bail if such person is under the age of 16 years or is a woman or is sick or infirm. Sick or infirm, अगर आप मतलब समझें तो sick का मतलब ये रहेगा कि इस तरह की कोई illness है जो dangerous to life है, और infirm मतलब कि कोई physically handicap है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो 16 साल से नीचे हैं या कोई महिला है या sick or infirm है तो वो इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, कोई एविडेंस को टेंपर नहीं कर सकते, विटनेसेस को थ्रेट नहीं कर सकते, उनके ट्रायल को डिले करने के चांसेस भी कम रहते हैं क्योंकि क्योंकि अगर कोई इमेच्योर है कि उसको पता ही नहीं कि डिले कैसे करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए इनको एक प्रोवाइजो में डाला गया है और एक छूट इनको दी गई है कि इनकी 437 में बेल हो सकती है. आगे नेक्स्ट जो प्रोवाइजो है दैट्स इज provided further that the court may also direct that a person referred to in clause 2 be released on bail if it is satisfied that it is just and proper so to do for any other special reason. Clause 2 पे ये proviso applicable रहेगा सिर्फ, यानी कि अगर कोई habitual offender है तो उसको भी court जो है 437 में release कर सकती है bail पर, लेकिन उसके लिए court को स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और कोर्ट अगर इस ओपिनियन की है कि ऐसा उसको रिलीज़ करना जस्ट और प्रॉपर है, यानी कि आर्बिट्रेरली कोर्ट अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं करेगी, उसको स्पेशल रीजन उसकी बेल पर रिहाई के देने पड़ेंगे. इसी प्रोवाइजो को आप और सबसेक्शन 1 को आप 437 के सबसेक्शन 4 से भी जोड़ लीजिएगा. इसको हम पहले पढ़ लेते हैं. एन ऑफिसर और अ कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग हिज और इट्स रीजंस फॉर और स्पेशल रीजन फॉर सोडिंग. जो ऑफिसर है जिसने अरेस्ट किया है, ऑफिसर इन चार्ज, और जो कोर्ट है अगर किसी पर्सन को रिलीज कर रहे हैं बेल पर सबसेक्शन 1 या 2 में, तो उनको अपने रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, स्पेशल रीजंस या रीजन उनको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. यही बात प्रोविजो में यहाँ पर कही गई है कि अगर कोर्ट रिहा करती है बेल पर, तो सबसेक्शन 2 में हालांकि ये बात कही गई है, क्लॉज 2 की बात की गई यहाँ पर इस प्रोविजो में, लेकिन यहाँ पर भी रीज़न की बात की गई कि रीज़न तो रिकॉर्ड करने ही करने पड़ेंगे कोर्ट को. आगे कहा गया है कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द मेयर फैक्ट दैट एन अक्यूज्ड पर्सन मे बी रिक्वायर्ड फॉर बींग आइडेंटिफाइड बाई witnesses during investigation shall not be sufficient ground for refusing to grant bail if he is otherwise entitled to be released on bail and gives an undertaking that he shall comply with such directions as may be given by the court. अगर एक व्यक्ति otherwise bail के लिए entitled है, जैसे कि हमने ऊपर बात की है, और investigating officer ये कहता है कि इसकी अभी detention की ज़रूरत है accused की, क्योंकि witnesses ने इसको अभी identify करना है, तो ये जो proviso कहता है कि आइडेंटिफिकेशन बाय विटनेसेस एक ग्राउंड नहीं है बेल रिजेक्ट करने के, अगर कोई अदरवाइज इंटाइटल है और वो बेल की जो कंडीशंस हैं जो अंडरटेकिंग कोर्ट में देगा उसकी कंप्लायंस के लिए वो तैयार है, तो ऐसी कंडीशन में बेल उसकी रिजेक्ट नहीं होगी. नेक्स्ट प्रोविजो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो पर्सन शैल इफ द ऑफेंस अलेज टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम इज पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ or imprisonment for 7 years or more be released on bail by the court under this subsection without giving an opportunity of hearing to the public prosecutor. यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे ऑफेंस में इन्वॉल्व है, ऐसा एलिगेशन है कि जिसमें जो पनिशमेंट है डेथ हो सकती है, डेथ पेनल्टी मिल सकती है, या उसको उम्र कैद हो सकती है, या उसको 7 या 7 साल की अधिक की सज़ा हो सकती है, उसको कोर्ट जब बेल पर रिहा करेगी तो उससे पहले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सरकारी वकील है, उसकी सुनवाई करना जरूरी है, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना जरूरी है, उसके बगैर कोर्ट जो है बेल कंसीडर नहीं करेगी. सबसेक्शन 2 इफ इट अपीयर सच ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल एज द केस में बी दैट देर आर नॉट रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन नॉन-बेलेबल ऑफेंस बट दैट देर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर फर्दर इंक्वायरी इनटू हिज गिल्ट द अक्यूज्ड शैल subject to the provisions of section 446A and pending such inquiry be released on bail or at the discretion of such officer or court on the execution by him a bond without sureties for his appearance as hereinafter provided. यहाँ पर जो officer है, police officer है या court है, investigation की किसी भी stage के दौरान inquiry, investigation जब trial pending है, और उनको यदि ये लगता है कि ऐसा कोई reasonable ground नहीं है
इस बात को जो साबित करता है या उनको लगता है कि ऐसा कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि इस व्यक्ति ने ये नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, बट स्टिल अभी फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है, उसके जो रोल है उसके लिए फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है ये मानने को कि हाँ ये आदमी दोषी हो सकता है। तो यहाँ पर उस ऑफिसर या कोर्ट को पावर रहती है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान या ट्रायल के दौरान उस व्यक्ति को बेल पर रिलीज कर सकते हैं, और जो कंडीशंस हैं वो 446 और आगे जो लिखा है इसके अंदर, जैसे कि बॉन्ड वगैरह उसको भरना पड़ेगा विदाउट सियोरिटीज, कि वो जब उसको बुलाया जाएगा तो वो अपीयर होगा। तो यहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर को और कोर्ट को पावर दी गई है। सेक्शन 437(2) को आप सेक्शन 169 के साथ जोड़कर पढ़ सकते हैं, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देर इज नॉट सफिशियंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग ऑफ द अक्यूज टू अ मजिस्ट्रेट, सच ऑफिसर शैल इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी रिलीज हिम ऑन हिज एक्सिक्यूटिंग अ बॉन्ड विद और विदाउट सियोरिटीज एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट और अपीयर इफ एट एंड व्हेन सो रिक्वायर्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट इन पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट एंड टू ट्राई द अक्यूज्ड और कमिट हिम फॉर ट्रायल। देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर जो पुलिस ऑफिसर है और उसको लगता है कि कोई सफिशेंट एविडेंस नहीं है और उसकी जो रीजनेबल ग्राउंड नहीं है ऐसा बिलीव करने का कि इसने ऑफेंस किया है, कि जो उसको जस्टिफाई करता है कि इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, तो अगर वो अक्यूज जो है पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है तो उसको एक बॉन्ड भरवा करके पुलिस ऑफिसर भी सेक्शन 169 में उसको रिलीज कर सकता है। ऐसे ही कुछ पावर जो है 437(2) में भी दी गई है, तो आप इसको इसके साथ जोड़कर पढ़ सकते हैं। सबसेक्शन 3, व्हेन अ पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पुनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 years और मोर और ऑफ एन ऑफेंस अंडर चैप्टर 6, चैप्टर 16 और चैप्टर 17 ऑफ द इंडियन पिनल कोड और बैटमेंट ऑफ और कॉन्स्पिरेसी ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस इज रिलीज ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल इम्पोज द कंडीशंस। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी गई है ऑफेंसेज के IPC को चैप्टर्स की, कि इन इन ऑफेंसेज में अगर कोई आदमी इन्वॉल्व है, कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, और जहाँ तक ऐसे ऑफेंस है जिसमें 7 साल तक की या उससे अधिक की सज़ा भी हो सकती है, तो वहाँ पर जो कोर्ट रिलीज करेगी सबसेक्शन 1 में, तो कुछ कंडीशंस उसके ऊपर इम्पोज कर सकती है कोर्ट उस अपराधी के ऊपर। सो कंडीशंस किस तरह की रहती हैं, कि वो इस तरह का सिमिलर ऑफेंस जो है नहीं करेगा, जब उसको जो विटनेसेस हैं उनको इंड्यूस नहीं करेगा, एविडेंस को टेम्पर नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। तो कंडीशंस लगा सकती है, जो कंडीशंस ये लिखी हैं ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, क्योंकि नीचे लिखा है एंड मे ऑल्सो इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सच अदर कंडीशंस एज इट कंसिडर नेसेसरी। उसके अलावा जो ऊपर जो कंडीशंस दी गई हैं इनके अलावा भी कोर्ट और कंडीशंस इम्पोज कर सकती है जो कोर्ट को लगता है कि इम्पोज करना इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है, तो ऐसी कंडीशंस भी कोर्ट जो है लगा सकती है। सबसेक्शन 4 हम पहले पढ़ चुके हैं कि रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अगर बेल पर रिहा करते हैं। तो सबसेक्शन 5, एनी कोर्ट विच हैज़ रिलीज द पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 मे इफ इट कंसिडर इट नेसेसरी टू डू सो डायरेक्ट दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम इन टू कस्टडी। हाँ, तो अगर एक बार बेल पर रिहा कर दिया तो सबसेक्शन 5 जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद भी अगर कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी है और उसको फिर से कस्टडी में भेजना जरूरी है, तो बेल देने के बाद भी कोर्ट उस व्यक्ति को कस्टडी में भेज सकती है। एक तरह से कैंसिलेशन की पावर यहाँ दी गई है, हालांकि जनरली हम देखते हैं कि जो कैंसिलेशन है वो 439 में जो है सेशन कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास पावर है, लेकिन सबसेक्शन 5 में भी ये पावर जो है कोर्ट को दी गई है। सबसेक्शन 6 डील करता है कि अगर 60 दिन में ट्रायल, मजिस्ट्रेट ट्रायल जो है पूरा नहीं हो रहा एविडेंस की डेट से, तब भी बेल हो सकती है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। इफ इन एनी केस ट्रायल बाई ए मजिस्ट्रेट द ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट डेट फिक्स्ड फॉर टेकिंग एविडेंस इन द केस, सच पर्सन शैल इफ ही इज इन कस्टडी ड्यूरिंग द होल ऑफ द सेट पीरियड बी रिलीज ऑन बेल टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट अनलेस फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग मजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट। देखिए, जब मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है और एविडेंस की फर्स्ट जो डेट लगती है उस डेट से लेकर के 60 दिन के अंदर तक अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, तो अगर जो अक्यूज्ड है वो कस्टडी में है
तो उसको बेल पर रिहा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट को एक डिस्क्रिप्शन दी गई है कि अगर उनको लगता है कि उसको रिहा नहीं करना है तो वो अपने रीजंस दे करके मना भी कर सकते हैं। तो कोई इम्पेरेटिव नहीं है कि उसको रिहा करना पड़ेगा, रीजंस दे करके राइटिंग में उसको कस्टडी को जो है आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सबसेक्शन 7, इफ़ एट एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड बिफोर जजमेंट इज डिलीवर्ड, द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देर आर रिजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफ सच ऑफेंस, इट शैल रिलीज द अक्यूज इफ ही इज इन कस्टडी ऑन द एक्सिक्यूशन बाई हिम अ बॉन्ड विदाउट सियोरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस टू हियर जजमेंट डिलीवर्ड। देखिए यहाँ पर जो कोर्ट को पावर दी गई है कि जब ट्रायल कंक्लूड हो जाता है और अभी जजमेंट उसकी बकाया रहती है, जजमेंट अभी डिलीवर होनी है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और कोर्ट को लगता है कि ऐसा कोई रिजनेबल ग्राउंड नहीं है ये मानने का कि ये व्यक्ति दोषी है, यानी कि कोई रीज़न कोई लॉजिक नहीं है कोर्ट को लगता है ऐसा, तो कोर्ट उस व्यक्ति को अगर वो कस्टडी में है तो बॉन्ड भरवा करके उस व्यक्ति को बेल पर छोड़ सकती है। और साथ में ये कंडीशन लगाई जाती है कि वो जब जजमेंट डिलीवर होगी तो उस जजमेंट की डेट पे वो कोर्ट में पेश होगा। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि कोर्ट बड़ा माइन्यूटली जो एविडेंस है उसको एनालाइज करेगी, लेकिन कोर्ट को अगर ये लगता है कि हाँ ये व्यक्ति गिल्टी नहीं है, हालांकि अभी जजमेंट आनी है, बट एट दिस स्टेज भी लगता है कोर्ट को कि गिल्टी नहीं है, कोर्ट के पास कुछ लॉजिक है रीज़न है, तो कोर्ट उसको बेल दे सकती है। सो 437 में हमने ये देखा कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल हो सकती है। हमने ये प्रिंसिपल सुना होगा कि बेल इज़ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, तो लेकिन बेल की जो डिस्कशन कोर्ट को दी गई है 437 में वो आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज नहीं कर सकती कोर्ट। उसके लिए कुछ टेस्ट जो जजमेंट्स हैं जो केस लॉज हैं वो आपको इसके ऊपर पढ़ने पड़ेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि जब कोर्ट कोई बेल का डिसीजन लेती है तो किस तरह के जो सर्कमस्टांसेज हैं वो उनको कंसिडर करने पड़ेंगे, कि नेचर ऑफ एक्यूजेशंस क्या है, किस तरह का ऑफेंस है और कितनी उसमें पनिशमेंट हो सकती है, कितनी उसमें उसको सेंटेंस मिल सकती है, और एविडेंस किस तरह का है, नेचर ऑफ एविडेंस क्या है, नेचर एंड ग्रेविटी क्या है, किस हालात में ऑफेंस हुआ है, और जो एक्यूज्ड है उसको जो और उसी केस में जो विक्टिम है उस कंपेरेटिवली उसके रेफरेंस में उसकी पोजीशन और स्टेटस क्या रहती है, और क्या विटनेसेस को थ्रेट की कोई प्रोबेबिलिटी है, कोई ऐसी अप्रिहेंशन है कोई, क्या ऐसा एक्यूज्ड है जो एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, या कोर्ट को लगता है कि ये एक्यूज्ड भाग जाएगा बेल के बाद कोर्ट में वापस नहीं आएगा, या ऐसा लगता है कि कोर्ट की ये जो अक्यूज है जिसकी बेल कंसिडर कर रहे हैं ये और ऑफेंस कर सकता है, या फिर ये ट्रायल को डिले कर सकता है, या फिर ये किसी तरीके से जो विटनेसेस हैं उनको मार सकता है, यानी कि कोर्ट को लगता है कि ये व्यक्ति किसी भी तरीके से बेल पर रिहा करने लायक नहीं है, तो उसके लिए जो हालात हैं वो बताए गए हैं, तो कोर्ट वहाँ पर अपनी डिस्कशन को एक्सरसाइज करने से मना कर सकती है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।